नमस्कार दोस्तों, इंडियन हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आपने कई बार देखा होगा किसी ना किसी वजह से आपके लिंग मुंडच्छद पर यानी कि पीनस के फोरस्किन पर सूजन आता है, जिसे बैलेनाइटिस का नाम से जाना जाता है। वैसे इस इन्फेक्शन के वजह से काफ़ी परेशानी हो सकता है, क्योंकि ये लिंग के बहुत ही सेंसिटिव एरिया में होता है। बैलेनाइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको लिंग के साफ सफाई को ज़रूरी से करना होता है। अगर आपने लिंग का मुंडच्छद का सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये इन्फेक्शन बिट आपको भी हो सकता है। लिंग का सफाई के लिए आपको डॉक्टर के सलाह और मेडिकेटेड सोप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना जो सोप इस्तेमाल करते हैं हार्ड केमिकल से बन चुका होता है। ये लिंग को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके वजह से बैलेनाइटिस हो सकता है। इसका कारण सामान्य से शुक्राणु यानी कि बैक्टीरिया या गलत सोप के वजह से ही होता है। डायबिटीज, रिलेटिव आर्थराइटिस के वजह से भी मूत्र मार्ग प्रभावित होने से भी बैलेनाइटिस हो सकता है। वैसे कुछ हर्ब्स के इस्तेमाल से बैलेनाइटिस में होने वाला दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिल सकता है। आप जानते हैं बैलेनाइटिस की समस्या क्यों और कैसा होता है? दरअसल बहुत सारा लड़के में लिंग के आगे के चमड़े को पीछे नहीं किया जा सकता है, जिसके वजह से वहाँ पर गंदगी इकट्ठा हो जाता है और इससे इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर पुरुष अपने लिंग के अच्छे से सफाई ना करे और उससे अपना स्किन पे जलन पैदा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप नहाते हैं और सोप लगाते हैं तो इससे आपके लिंग के स्किन पर सोप लगा रह जाता है, जिसके वजह से आपके लिंग में जलन पैदा हो जाता है। अब जान लेते हैं बैलेनाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। लिंग के मुंडच्छद पर यानी कि पीनस के फोरस्किन एरिया में लाल सा होना यानी कि रेडनेस हो जाता है और सूजन के साथ खुजली और दर्द होता है। लिंग के टिप से गंदगी होने के कारण बदबू भी आ सकता है। अगर इसका ठीक से इलाज नहीं किया जाता है तो पेशाब करने के साथ साथ यौन संबंध में भी तकलीफ हो सकता है। आप जानते हैं बैलेनाइटिस इन्फेक्शन को दूर करने के आसान सा उपाय। आपको एक एलोवेरा का पत्ती को लेकर छिलका निकाल कर उसका जल को प्रभावित जगह पर 2-3 बार रोजाना लगाने से इस इन्फेक्शन का जलन और सूजन कम हो जाता है। किसा हुआ अदरक और सौंफ दोनों भी साथ में सेवन करने से ये दर्द दूर हो सकता है, क्योंकि अदरक में जीवन वृद्धि और जलन कम करने का दोनों ही गुण होता है, जो बैलेनाइटिस का उपचार में लाभदायक होता है। इसके अलावा आप अदरक के पीसेस को पानी में उबालकर पीने से भी इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा ये वीडियो। मानते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।